मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी का एक नया रंग देखने को मिला। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भगवान श्री राम और बजरंग बली की एंट्री करा दी। आज भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भगवा झंडे लहराए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। असल में बजरंग दल की तर्ज पर एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम है बजरंग सेना। आज बजरंग सेना का कांग्रेस में विलय हो गया। बजरंग सेना के कार्यकर्ता भगवा झंडे लेकर बजरंग बली का भेष बनाकर कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे। स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ स्वयं मौजूद थे। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को एक गदा भेंट की और उनके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, कांग्रेस ने आज से भोपाल में भागवत कथा भी शुरू करवा दी है जो अगले 7 दिनों तक चलेगी। मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड और भागवत कथा करवा रही है। आज भोपाल में कमलनाथ जब अपनी बात कहने मंच पर आए तो उन्होंने जय श्री राम के नारे से अपनी बात की शुरुआत की। कमलनाथ ने कहा कि धर्म को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। धर्म के नाम पर बीजेपी लोगों को बांटती है लेकिन कांग्रेस सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आप सबने अगर तय किया कि आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, या आप कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ दे रहे। धर्म आचार का विषय, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय है। यह हमें याद रखना है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। हम जब राजनीति को मंच पर लाते हैं ये हम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमें अपना भारत पहचानना है। भारत है क्या? भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है कि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। इसीलिए आज भारत एक और हमें इस संस्कृति के रक्षक बनना है। यह हमारा भारत है और जब तक हम इस संस्कृति के रक्षक नहीं बनेंगे भारत कहां जाएगा, कहां डूब जाएगा।